हम कलताजी जा रहे हैं, वो सतयुग के टाइम का टेंपल है। मिलती है क्या भाई? हाय गाइस, वी हैव कम टू कलताजी। इस पॉइंट पे यू हैव टू गिव 30 rupees टू कम आगे, बट वी लेफ्ट आवर टैक्सी देयर। नाउ वी आर गोइंग वॉकिंग। देयर इज द कलताजी टेंपल व्हिच इज हार्डली 130 meters ऑफ वॉक। इफ यू हैव योर ओन कार यू कैन टेक द कार टिल देयर। सो या, सो वी हैव एंटर्ड कलताजी। अभी हम जा रहे हैं। द वे इज अ लिटिल एडवेंचरस, थोड़ा सा टूटा फूटा हुआ है एज वी से इन हिंदी। आप देख सकते हैं वो छोटे छोटे मंदिर। यहाँ काम चल रहा है एक्चुअली। लेट्स सी अंदर क्या होता है। यहाँ पे लोगों ने छोटे छोटे घर बना रखे जो शायद मन्नत के घर होते हैं। हम भी बनाएंगे आके। और ये भी शायद शिव जी का मंदिर है। हाँ, एंट्रेंस पे एक हनुमान मंदिर है। ये फोर्ट की वॉल बना रखी है। आज शिव के दिन है। हाँ, इट्स अ मंडे टुडे। Moving towards Kalataji, there are a lot of cows over here and people also have made small homes for living for the pandits. और ये सारे मन्नत के घर हैं लोगों के। There are a lot of bandars. वो रहा एक बंदर। मासी, मासी के पीछे अंदर Kalataji। चलो वो ही पता मेरी मेमोरी में। Kalataji is a place very beautiful. Mountains के बीच में है वो। आप लेकर पहले देर इज अ लॉट ऑफ। दिस इज सीताराम जी मंदिर। दिस इज कृष्णा का मंदिर आई गेस। गोपाल जी, ज्ञान गोपाल जी, ज्ञान गोपाल जी। एंड अहेड इज गलता वाटर डिस्टिलरी। प्रसाद मिलते हैं अन्य क्षेत्र। स्टेयर्स लीडिंग अप टू द गलता कुंड। लेट्स गो अप। से हाय टू द बंदर, बेबी बंदर एंड मॉमी बंदर। दिस इज अ गलता कुंड। राधे 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 राधे। चलो ऊपर। लाइक एंड शेयर। There are a lot of monkeys here in Kalataji. तपस्या किया ऋषि जी ने, तभी गंगा जल प्रकट हुआ।
गंगा का आया है क्या? गंगा का आया So this is Galav Rishi's temple which is now being closed and this is the Rishi who established Galta Ji. Smile! And here it is the Ganga Jal which got brought by Galav Rishi bought by Galta Ji. पापड़ा हनुमान जी को पापड़ा इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये पहाड़ की चट्टान में से प्रकट हुए थे इस 500 इयर्स ओल्ड हनुमान जी सिर द टेम्पल राइट बिसाइड गालव ऋषि टेम्पल। हाँ मंदिर में ये सूर्य मंदिर जा रहे हैं चल के। हाय हाँ गलता जी देख बताएंगे गाइस वी आर गोइंग By walking towards the temple. We are trekking towards the temple. आप अपनी गाड़ी भी लेके आ सकते हो। I'm tracking towards Sun Temple, most beautiful trek. Yeah. You can only enjoy it while trekking and not by a car. Yeah. There is a facility. Bike facility over here, which you can avail. Do it. Guys, नीचे का रास्ता अब हम और ऊपर जा रहे हैं। हम almost आ गए। वो रहा टेम्पल आपको दिख रहा होता हाँ, वो मंदिर आए हाँ नीचे नहीं जा रहे वही मेन था अब फाइनली आ गए ये सारे यहाँ से मंदिर स्टार्ट हो गए सन टेम्पल ये थोड़े मंदिर अभी बंद है राम जी का That's the sun temple over there. We are here finally. Yes, we reached. Yes. ये सूर्य मंदिर है ये राजा ने बनवाया था राजा जयसिंह ने और ये वहाँ से दर्शन और यहाँ से राजा जयसिंह अपने वहाँ किले से दर्शन करते थे अच्छा वो रहा ना किला अच्छा से दर्शन किया जो इस सूर्य मंदिर के दर्शन जो उन्होंने बनवाया था ये मंदिर अच्छा अब शाम को ये सूर्य टेम्पल देयर सो मच पीस इन हियर एट दिस टेम्पल यहाँ से पूरा ऐसे जयपुर का व्यू दिख रहा है Please like and subscribe my channel so that I can make lot more and more videos. और यहाँ से पूरा जयपुर दिखाई दे रहा है और ये सबसे ऊँचा है पहाड़ Hi, like, subscribe and share my video. Yes, you can visit this amazing, amazing temple. देखिएगा ऊपर से जयपुर कितना सुंदर दिख रहा है और यहाँ पे आके आप यहाँ पे हमने फोटोज भी खींची क्योंकि व्यू बहुत अच्छा आ रहा था और बहुत अच्छा लग का पौधा है ऐसे सीधा अरे अंदर नहीं आ रहा मासी उसमें अंदर जाके आएगा बहुत ही सुंदर सूर्य टेंपल है दिन में मार्च में ऊपर गए थे तो वेदर बहुत ही बढ़िया अच्छा था और बहुत ही अच्छी हवाएं चल रही थी आज हमारा ये भी तीर्थ स्थान कंप्लीट हुआ और ये सूर्य के बारे
सूर्य मंदिर महाराणा जय सिंह ने बनवाया था। पहली और अंतिम थी ना, अंतिम कैसे दिखती है? अंतिम भी आती है लास्ट में इधर से। अच्छा वो जो बना है उसमें से गिरती है ना, पहली किरण यही आती है। हाँ। पहली तो हमारे अरुणाचल में होती है, यहाँ पे रुकती है ना, यहाँ पे पहली और आखिरी सूर्य किरण आती है। यहाँ से पूरा जयपुर दिखाई दे रहा है और हमारी यात्रा बहुत अच्छी हुई कि हमने एक और तीर्थ स्थान के दर्शन किए। हम नीचे आ गए, ये नीचे जाने का रास्ता है और रास्ता बहुत अच्छा है, और अगर आपको आना है तो बाइक वगैरह से भी आप आ सकते हैं। पता नहीं होता, पूरा दिन खुला रहता है और सूर्य टेंपल पूरा दिन खुला रहता है और शाम को आरती होने के बाद ये बंद हो जाता है। और ये ज़्यादातर अगर सर्दी के मौसम में आएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, गर्मी में राजस्थान में वैसे भी गर्मी बहुत पड़ती है, टूरिस्ट भी काफ़ी यहाँ पे आते हैं। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और लाइक कीजिए। वी आर गोइंग ऑन आवर वे डाउन टुवर्ड्स आवर होम। ये रास्ता ये रहा ना मेन गलता का रास्ता, ये वाला भी रास्ता इधर से भी आता है। Finally come down. This is like the main entrance through which you can go to the sun temple above. This is really beautiful. Most of the cars are parked here, and the best option to come is via taxi. Come to one of each gate, or mere hisab se you should come to this gate first, and then go towards the other gate. And yeah, come to the end of Galta temple. Yes, so please do like, share, and subscribe to this vlog to visit more such hidden temples and places in Jaipur. यात्रा हमारी सफल रही।